नहीं, मैं पूरे 130 करोड़ भारतवासियों को आज के दिन अपील करना चाहता हूँ। आपने क्या समझ के रखा है? अरे माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, हर एक भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से उन्होंने बेरोजगारी खड़ा किया है, 6.5 साल की उनकी तपस्या है, हर कीमत पर आज का दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए, वरना चले जाओ पाकिस्तान। कर्तव्य कुछ है ही नहीं आपका मोदी जी के लिए। इस देश की जनता का पहला कर्तव्य है कि हर कीमत पर देश के किसी भी कोने में हो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिन के तौर पे आज के दिन को मनाया जाए। छोटा मोटा योगदान नहीं होता, 6.5 साल की तपस्या है भाई। इतनी महंगाई को बढ़ाना, इतना भ्रष्टाचार होना, इतनी बेरोजगारी होना, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मध्य गुजरात मोदी जी ने। छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हो, किसी की हो आप क्या समझते हो? मनमोहन सिंह की कर पाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता ये कर पाया? इतने सालों का कोई भी प्रधानमंत्री ये कर पाया? ये केवल 56 इंच का सीना रखने वाला हमारा मोदी साहब ही कर सकता है। और इसलिए आने वाली कई पीढ़ियों तक आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिन के तौर पे मनाया ही जाएगा, वरना मैं मानूंगा ये सबसे बड़ा एंटी नेशनल कृत्य है। कि क्या बात है आप मुझे बताइए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उतने में धूमनगंज एसएचओ ने मुझे भी हाथ लगा के धक्का मार दिया। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक एसएचओ स्तर का अधिकारी, जिसको ये नहीं पता कि महिलाओं के साथ महिला कांस्टेबल को आगे करना चाहिए, ये तो तब होता है जबकि वो कोई अपराध कर रही होती है। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठी थी तो एक एसएचओ धक्का मार के एक विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष को अगर उससे हाथापाई कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि इलाहाबाद के अंदर आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, आम जनता के साथ क्या होता होगा। तमाम मेरे साथ नौजवान साथी बैठे हुए थे, उनका कॉलर पकड़ पकड़ के उनको खींच के थप्पड़ मार के उनको जीप में जबरदस्ती बैठा लिया गया। और हम लोग पूछते रहे कि हमारा जो कसूर क्या है। और उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे थाने में धरना भी दिए हैं। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि धूमनगंज एसएचओ एके चतुर्वेदी के खिलाफ मैं लिख के तहरीर दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है और ये बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है कानून व्यवस्था के। Oh, yeah.
समाज नहीं चलेगा, संघ समाज नहीं चलेगा। भाई तूफान जी साथ खाली हो चुके हैं, भाई तूफान जी आपकी बीच बात रखेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।